झारखंड की राजधानी रांची 10 जून को हुई हिंसा से उबरने की कोशिश कर रही है। इस बीच झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि कारोबार के अलग अलग सेक्टर्स में अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें ऑटोमोबाइल, रेस्टोरेंट्स और ज्वेलरी समेत दूसरे कारोबार भी शामिल हैं। इसके साथ ही करीब 30 घंटे नेट सेवा भी बाधित रही, ऑनलाइन से जुड़े कारोबार ठप रहे, जिसकी वजह से सरकार को भी रेस्क्यू का नुकसान उठाना पड़ा। रांची की विधि व्यवस्था के अलावा अर्थव्यवस्था का गहरा झटका लगा है। झारखंड चापर के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने बताया कि राजधानी के जिनचे थाना क्षेत्रों में अभी भी धारा 144 लगी है। इसके बाद इलाकों में दुकानों को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। सोमवार को ये छूट दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक थी। झारखंड चैंबर के अध्यक्ष बताते हैं कि कारोबार का समय रात में ही होता है, जब लोग शाम को घरों से निकलते हैं। रांची में हिंसा का केंद्र मेन रोड ही रहा था, जो कॉमर्शियल इलाका है। फिलहाल इस तरह की हिंसा में हर किसी को नुकसान से गुजरना पड़ता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसकी भरपाई लोगों को खुद अपने आप में करनी पड़ती है।